हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेथी दाल बनाएंगे, तो ये बहुत अलग तरीके से बनाइए और मैंने आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ये चने की दाल लिए, ये देखिए मोटी मोटी सी होती है, चने की दाल है, तो इसे मैंने वॉश करके दो तीन पानी में और भिगो दिया है करीब आधा घंटा के लिए, और उसको बॉईल कर लिया है और नमक हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है। तो ये मैश हो गई है, थोड़ी ज़्यादा मैश नहीं करनी है, दाने दिखने चाहिए। और अब मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है, इसके लिए तेल भी गरम हो गया है, जीरा डाल दिया, और ये साबुत लाल मिर्च डाली है, इसका फ्लेवर बहुत मस्त आता है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और ये हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी, और हींग डालने के बाद अदरक हरी मिर्च और लहसुन का क्रश किया हुआ पेस्ट डाला है मैंने, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा रखना है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, एकदम गैस धीरे है, धीरे गैस में ही सब काम करना है अभी, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब प्याज की कटिंग कर ली है मैंने, एक प्याज है इसको बारीक कटिंग कर ली है, गैस धीरे है मेरी, इसे भी फ्राई करेंगे। और ये हल्दी डाल रही हूँ मैं, मिर्च भी डाल दी, और ये धनिया पाउडर है पिसा हुआ वो भी डाल दिया। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, आपको ज़्यादा कम जैसी भी चाहिए मिर्च, और ये कश्मीरी मिर्च है इसे भी मैं डाल रही हूँ थोड़ी, इसका कलर भी अच्छा आएगा, थोड़ा फ्लेवर भी इसका अलग से आ जाता है। तो एक छोटे चम्मच के करीब ही डाल रही हूँ मैं अभी, ये टमाटर की कटिंग है, एक बड़ा टमाटर बारीक बारीक कटिंग करके ले लिया मैंने, इसे भी फ्राई कर देंगे, मसाले के साथ मिक्स हो जाएंगे। गैस धीरे कर दी है मैंने थोड़ी, और थोड़ी सी मीडियम करी थी अभी, ये टमाटर मैश होने लग गए हैं थोड़े, और ये मेथी की कटिंग है, बारीक मेथी कर ली है मैंने पौन बॉल के करीब, इसे दो तीन पानी से वॉश करके कटिंग कर ली थी। ये हरी मेथी आजकल बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, तो इसके साथ दाल बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, तो मैं आपको इजी वे से बता रही हूँ सब। इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि सब मसालों में मिक्स हो जाए। अब थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसमें ताकि ग्रेवी भी अच्छी बन जाए दाल के लिए। और थोड़ी सी मीडियम गैस कर देंगे, और नमक डालूंगी अब मैं, क्योंकि दाल में तो पहले ही डाल के बॉईल कर लिया था, अब मसाले में भी नमक मिक्स हो गया। इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि
सब मसाले मेथी और टमाटर सब मैश हो जाएं अच्छी तरह से दाल में मिक्स होने के लिए। ढक्कन ढक दिया है मैंने, देखिए अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं। कितने अच्छे मसाले फ्राई हुए हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे मेथी और टमाटर सब एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं अच्छी तरह से, और यही लुक हमें चाहिए था। ये बॉयल दाल है मेरे पास कुकर में, आप देख सकते हैं मैश हो गई है अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा दाना भी दिख रहा है आप देख सकते हैं। तो इस दाल को सब मिक्स कर दिया मैंने इसमें कढ़ाई में, देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है अपनी, और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है सर्दी के मौसम में मीठी दाल की रेसिपी। इसे मैं 1 मिनट तक और बॉईल करूंगी, और ये छोटी सी कढ़ाई मैंने रख दी है तड़का लगाने के लिए, देसी घी का तड़का लगाएंगे। घी डाल दिया है मैंने, ये तड़का पैन भी है मेरे पास, लेकिन मुझे ये कढ़ाई अच्छी लगती है, इसमें तड़का अच्छी तरह से आ जाता है और अच्छी तरह से दिखता भी है। जीरा डाल दिया है, जीरा तड़कने लग गया है, हल्की गैस करी है, एकदम धीरे गैस में ये काम करना है अपने को, नहीं तो ये सब जल जाता है। साबुत लाल मिर्च भी डाल दिए 2, इसका फ्लेवर अच्छा आता है, और हींग भी थोड़ी सी डाल रही हूँ। एकदम धीरे गैस कर दी थी और अब बिल्कुल बंद कर दिया मैंने, और हल्का सा तेल गर्म है तो उसमें मैंने मिर्च पिसी हुई डाल दी है, और ये कढ़ाई में ये छौंक डाल देंगे, तड़का डाल देंगे तो और भी टेस्टी लगेगी दाल। थोड़ा सा तड़का मैंने ऊपर से डालने के लिए बचा लिया है हल्का सा, तो गार्निशिंग करेंगे तब धनिया की तभी डाल देंगे, और इस दाल के ऊपर भी धनिया डाल दिया है मैंने। तो मैं सर्विंग बाउल में सर्व कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए कितनी मस्त दाल बनी है आप देख सकते हैं। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।